हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, एसएससी को लेके एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है। बार बार मुझे लड़के फोन कर रहे हैं कि सर, एसएससी में आपका रामधारी से नहीं आएगा, रामधारी खंडवन से नहीं आएगा। मुझे बार बार फोन आ रहे हैं। तो मैं और ये केवल ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बता दूं, आप रामधारी खंड टू कर लो, ठीक है? रामधारी खंड टू, तो आपका रामधारी खंड वन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ऑटोमेटिक। तो रामधारी खंड टू कर डालो, ठीक है? और एडिटोरियल कर डालो, रामधारी खंड टू एडिटोरियल, आपका काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। रामधारी खंड टू में आपकी 150 एक्सरसाइज हैं, ठीक है? एडिटोरियल आप कर लो डेली। तो जो मेरी क्लास चल रही है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, वो सुबह जो चल रही है वो आपकी रामधारी खंड टू की चल रही है, ठीक है? आपकी 6 से 7 जो चल रही है वो लीगल मैटर कोर्ट चल रही है, 7 से 8 आपकी यही रामधारी खंड टू चल रही है। आपको पीडीएफ, एडवांस आउटलाइन, आरडीओ, पीडीएफ सब होगा, ठीक है? तो रामधारी खंड टू और एक एडिटोरियल आपको डेली दी जा रही है। तो जितने मेरे स्टूडेंट हैं, वो आपको डरने की और सहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा बता दूं कि रामधारी दी जाए ना दी जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पूछे क्यों? क्योंकि यहां पर आपको रामधारी खंड टू कराई जाती है। रामधारी खंड वन तो आप लोग चुटकियों में कर लेते हैं, और रामधारी वन एसएससी ग्रेड डी में आती थी, ठीक है? अगर ग्रेड डी में, मान लीजिए एसएससी में ग्रेड डी में रामधारी खंड वन नहीं भी आती है, तो आप रामधारी खंड टू कर लीजिए। मैं कहता हूं रामधारी में आपको आए ना आए, आपको कुछ भी आ जाए, अगर आपका रामधारी खंड टू आपका कंप्लीट है, तो यह मान के चलिए कोई भी एडिटोरियल आप आराम से कर लेंगे, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको रामधारी खंड टू पूरी तरीके से कंप्लीट करनी है। मेन है रामधारी खंड टू का, सब पूरा खेल आपका रामधारी खंड टू का है। अगर आप रामधारी खंड टू के वाक्यांश आप चाहें तो ले सकते हैं। रामधारी खंड टू के वाक्यांश, एक एक वाक्यांश बहुत अच्छे तरीके समझाया है, तो रामधारी खंड टू के वाक्यांश ले लीजिए और जम का प्रैक्टिस कर डालिए। या फिर 1000 वाले वाक्यांश जो दोस्तों मेरे फेमस हैं लगभग, उसको कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने लिया हो और आज तक सिलेक्ट ना हो गया हो, या स्पीड ना बढ़ी हो, रीडिंग ना बढ़ी हो, तो वो वाक्यांश ले लीजिए। मैं कहता हूं आप डरिए मत। देखिए, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कह दिया नहीं शेर आया है तो आप डर रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारा ये रामधारी खंड वन आ जाए तो भी मेरा काम कर लिया। देखिए, ये टेंशन उनके लिए है जो बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? और रामधारी उन्होंने कभी छुई नहीं है, और एक्सरसाइज अभी ऋषि प्रणाली में वो कर रहे हैं, ठीक है? तो वो रामधारी में अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ऋषि प्रणाली में स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों दिक्कत है। और जो रामधारी प्रेजेंट टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी वाक्यांश लिए या रामधारी खंड टू कर रहे हैं, तो दोस्तों रामधारी अगर टू कर रहे हैं तो रामधारी खंड वन तो आप तो ऑटोमेटिक कर लेंगे, और रामधारी खंड टू कर रहे हैं तो एडिटोरियल आप तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपको क्या करना है। देखो, रामधारी खंड टू रामबाण है दोस्तों। आप ये समझ लो कि रामधारी खंड टू आपने अगर कर ली तो आप पार्लियामेंट निकाल सकते हो। रामधारी खंड टू कर ली तो आप कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आप निकाल ना लो दोस्तों। इसीलिए मैंने इसकी वाक्यांश करवा रखी, एक एक वीडियो मैंने करवाया इसका, ठीक है? और आप वो ले सकते हो, और वो दोस्तों कहीं YouTube चैनल पे नहीं, कहीं भी आपको ऐसी वाक्यांश नहीं मिलेगी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है? और मैं जो ये बोलते हैं आपको कि फुटकर पढ़ाया जाता है, एक एक करके पढ़ाया जाता है, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है? एक एक करके बोला जाता है, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको कि एक एक करके बोला जाता है कि वाक्यांश क्यों जरूरी है, ठीक है? और एक एक करके बोला जाता है एक एक क्यों जरूरी है, ठीक है? मेरे हिसाब से आप सब जानते होंगे कि वाक्यांश जब होती है पूरी तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है, फुटकर ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है? और उसको पढ़ना, तो ये दोस्तों वीडियो आपको अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ठीक है? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल।
और सुबह रामधारी खंड 2 करवाई जा रही है आपको, उसमें पीडीएफ आपको दी जा रही है डेली, 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाती है, एक या आपकी एडिटोरियल बोली जाती है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जितने मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक है, उनको टेंशन लेने की 1% जरूरत नहीं है। रामधारी खंड 2 करिए खूब, ठीक है, और वाक्यांश ले लीजिए, ठीक है। आपको 1% दिक्कत हो और आप राम, अगर मेरी वाक्यांश लिए और रामधारी खंड की क्लास करी है, या रामधारी खंड की क्लास आपने करी है एसएससी वाली, ठीक है, और वाक्यांश आपने ली है, मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, यूट्यूब पे ये वीडियो मेरा तब भी पड़ा रहेगा। मैं कह रहा हूं सिंगल एक बच्चा अगर मेरा फेल हो जाए तब आप बताना कमेंट करके स्किल के बाद कि सर मैं फेल हो गया आपके कहने के बाद, और मैं सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, देखो सबसे ज्यादा भ्रम होता है तो आपको भ्रम नहीं पालना है, ठीक है। रामधारी खंड 2 करिए, खूब मेहनत करिए रामधारी खंड 2 में, और रामधारी खंड 2 आपको अलेबर करा दी गई वाक्यांश, आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। जिसको लेना वाक्यांश ले लो रामधारी खंड 2, ठीक है, और आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम यूट्यूब चैनलों पर रामधारी खंड 2 की ऑडियो पड़ी होंगी, ठीक है, आप वहां कर सकते हो फ्री में, या रामधारी खंड 2 की वाक्यांश आप हमसे ले लो और तमाम चैनल पढ़े हो वहां फ्री में सीखो, ठीक, या फिर रामधारी खंड 2 ले लो और पेड क्लास ले लो, वहां पर ऑडियो बोला जा रहा है, क्योंकि हम फ्लक्चुएट बोलते हैं डिक्टेशन, ताकि आपको चाहे तेज बोल दे तो भी आप लिख लो। आप ये मत कहो कि 80 वाली डिक्टेशन थी सर, वहां से जब आ जाओ तो आप बोलो सर ऐसा हुआ कि वहां सर वहां बहुत तेज बोल दी थी और सर मेरा छूट गया, सर 80 कहा है उन्होंने, सर 90 और 100 बोल दिया है, सर मेरा नहीं हो पाया। ये सब मेरे चैनल पे नहीं होता है, मेरे जितने स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी जानते हैं कि 80 वाला चाहे 100 बोले, 80 वाला चाहे 90 बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ठीक है। तो वाक्यांश से दोस्तों आप लोग मजबूत है, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप आई होप सभी बिल्कुल खुश हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग को रामधारी खंड 2 करनी है, ठीक है, और वाक्यांश ले लीजिए। वाक्यांश लेके आप बेफिक्र हो जाइए कि आपको कोई हराने वाला है। एसएससी तो आप चुटकियों में निकालेंगे दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखिए ईडब्ल्यूएस में अगर आप 110 प्लस हैं, 15 प्लस, तो आपका हो जाना है, ठीक, ईडब्ल्यूएस में। अगर आप में ग्रेड डी में है, ग्रेड डी का है आपका, तो मान के चलिए 130 राउंड में करीब होने चाहिए आपके, ठीक है, 130 प्लस राउंड में होने चाहिए। अगर आप सी में हैं तो 145-40 प्लस होने चाहिए आपके, ठीक है, 50 प्लस होने चाहिए करीब मान के चलो, ठीक है। तो ये आपका काम आराम से चल जाएगा स्किल में, और स्किल दोस्तों आपका पास कराना मेरी जिम्मेदारी है, आप जो मैंने कहा है वो आप करो। और इसके बाद दोस्तों यही वीडियो मैं दोबारा लेके आऊंगा जब आपका स्किल हो जाएगा, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप मेरे पास हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में है, कोर्ट का भी मैं मैटर लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको कोर्ट का मैटर कैसे करना है, ठीक है। तो एसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप रामधारी खंड 2 ठीक करिए, और एक एडिटोरियल करिए, संपादकीय पेपर का कोई भी कर लीजिए, जनसत्ता चलती है वो आप कर लीजिए, हिंदुस्तान चलता है वो कर लीजिए, एक केवल बस, बाकी रामधारी खंड जैसे 1 चटते थे वैसे 2 को चट डालिए बस। और मैं इसके बाद कहता हूं कि अगर आप निकल जाए तब आप बताइएगा, ठीक, आएगा रामधारी खंड 1 खंड 2 से ही, ठीक। और सी में आपका मैं बता दूं, सी में हमेशा करंट का टॉपिक बोलते हैं, कहीं कोरोना का बोल दिया, कहीं पंचायती राज व्यवस्था से बोल दिया, देखिए पिछली वीडियो पड़ी हुई है जो आया था, ठीक है, तो सी में अलग अलग बोलते हैं, ये तो कंफर्म है कि सी में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन डी में हमेशा रामधारी बोलते हैं, ठीक है। तो आप रामधारी खंड 2 और खंड 1 ये हमेशा एसएससी में तैयार करके ही जाइए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जितने भी वीडियो, ये मेरा वीडियो है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्त को, यारों को, मित्रों को, अपने टीचरों को जरूर शेयर करिए, जो डरे हुए हैं, जो ऑफलाइन में हैं, जो कह रहे हैं कि जो डर गए हैं बहुत कि टीचर सोच रहे हैं कि क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, तो आप अपने टीचर को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए कि देखिए यहां पर बताया गया है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वाक्यांश ले लीजिए, आपको 1% टेंशन की जरूरत नहीं है, चाहे जैसा बोल दें, मैं खुले इसलिए सोशल मीडिया बोलता हूं कि आप वाक्यांश ले लीजिए, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।